जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, रूस से बातचीत को तैयार है यूक्रेन। आपको बता दें कि रूसी सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब पहुंच गई हैं और वहां उनका संघर्ष कीव की सेना से हो रहा है। इधर मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी के बाहरी इलाके में अपने हमले को और बढ़ा दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया, उन्होंने यूक्रेन के 18 टैंक तबाह कर दिए हैं। और यहां पर आपको बता दें कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन इस वक्त बेबस नजर आ रहा है और यूक्रेन की राजधानी खतरे में है। फिलहाल यूक्रेन के राष्ट्रपति के पास दूसरा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। इन सभी के बीच रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर यूक्रेन की सैनिक हथियार डाल दें तो रूस बातचीत के लिए तैयार है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन में बरस रहे गोलों से महंगा हो सकता है आपकी कढ़ाई में लगने वाला तड़का। जानिए क्या है वजह। आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई चल रही है, वहां गोले बरस रहे हैं। इसका एक असर तो भारत के घरों में पड़ सकता है, और वो भी क्या कि कढ़ाई में लगने वाला तड़का महंगा हो जाएगा। यूक्रेन संकट के चलते भारत में रसोई का बजट भी बढ़ सकता है। दरअसल यूक्रेन संकट से घरेलू बाजार में सूरजमुखी तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। सरकार का मानना है कि सूरजमुखी के तेल की कीमतें बढ़ने पर लोग अन्य खाद्य तेलों का रुख कर लेंगे, जिससे कि घरों का बजट नहीं बिगड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया, डरते हैं सारे देश, बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी हुई है, इससे हालात अब और भी भयावह हो गए हैं। चारों तरफ खौफ का मंजर है, रूसी सेना तबाहतोड़ हमले कर रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की का एक भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रूसी हमले में अब तक 137 नागरिक और सैन्य कर्मियों को खो दिया गया है, जबकि 316 लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें इस जंग में रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है, मुझे तो यूक्रेन की सहायता के लिए कोई नजर नहीं आता है, सारे देश डरते हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन रोमानिया सीमा के लिए रवाना हुए हैं भारतीय छात्रों का पहला बैच, तिरंगा लिए नजर आए छात्र। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उनका पहला बैच यूक्रेन रोमानिया सीमा पर विदेश मंत्रालय की तरफ से तैयार किया गया कैंप ऑफिस के लिए रवाना हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि इन कैंपों में रूसी भाषा बोलने वाले अतिरिक्त अधिकारियों को भी भेजा जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में सोमवार से नाइट कर्फ्यू सहित पाबंदियां खत्म, डीडीएमए की बैठक में हुआ है ये फैसला। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, वहीं मामलों में गिरावट को देखते हुए दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में ढील दिए जाने को लेकर डीडीएमए की एक बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल, साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में ये कहा गया कि अब सभी प्रतिबंधों को सोमवार से हटा दिया जाएगा। साथ ही कहा गया कि अगर कोरोना के मामले और कम हुए तो अप्रैल से पूरी तरह से स्कूलों को खोला जा सकता है। मास्क न पहनने पर 2000 के जुर्माने की जगह अब 500 लिया जाएगा। हर प्रतिबंध हटने का मतलब दिल्ली में सोमवार से नाइट कर्फ्यू सहित सभी कोरोना पाबंदियों को हटाने का फैसला लिया गया है। बसों और मेट्रो में खड़े होकर अब सफर की अनुमति होगी। दिल्ली में दुकानों और रेस्टोरेंट खोलने की समय सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि पीएम किसान योजना के 2000 रुपए खाते में नहीं भेजेगी सरकार, अगर चाहिए तो तुरंत करेंगे जरूरी काम। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्रों को किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपए का वित्तीय लाभ मिलता है, जो हर 4 महीने में 2000 रुपए की 3 किस्तों में मिलता है। और इस योजना की 10वीं किस्त 1 जनवरी को किसानों के खाते में आ चुकी है और किसान भाई 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। पर दोस्तों, आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो आपकी 11वीं किस्त लटक सकती है। आपको बता दें कि आपको अगर अगली किस्त चाहिए तो पात्र किसानों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीकों से अपना केवाईसी को अपडेट कराना होगा।
दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने निकटतम यानी कि आपके पास में जो भी CSC केंद्र होगा वहां जाइए और वहां पर जाकर अपना EKYC करवा सकते हैं। अगर आपका EKYC कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी 11वीं किस्त रुक सकती है, इसलिए आप इसे जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, देश में 302 और लोगों की मौत, 13,166 नए मामले सामने। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में COVID-19 के 13,166 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,28,94,345 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 302 लोगों की संक्रमण के कारण मौत भी हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, रूस में ब्रिटिश विमानों पर रोक, हवाई क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के मददगार देशों के खिलाफ भी अब कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को उसने ब्रिटिश एयरलाइंस के विमानों को रूस में उतरने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्होंने रूस के हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से भी रोक लगा दिया है। रूस के नागरिक विमानन नियामक ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, यूक्रेन संकट पर रूस को भारत पर है भरोसा, UNSC में वोटिंग के दौरान समर्थन की जताई है उम्मीद। आपको बता दें कि यूक्रेन संकट के बीच रूस ने एक बार फिर से भारत से समर्थन की उम्मीद जताई है। रूस ने शुक्रवार को कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करेगा तो उसे भारत से समर्थन की उम्मीद है। रूस के राजनयिक ने कहा कि भारत को उन कारणों की गहरी समझ है जिसकी वजह से यूक्रेन में मौजूदा स्थिति पैदा हुई है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार शाम को यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के साथ साथ पूर्वी यूरोपीय देश में बदलती हुई स्थिति पर एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान होना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, बाइडेन ने खड़े कर दिए हाथ, कहा कि यूक्रेन खुद लड़े अपनी लड़ाई, अमेरिका नहीं भेजेगा सेना। यहां पर आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की निंदा की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, हमें पहले से अंदेशा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। बाइडेन ने कहा कि पुतिन हमलावर है, उन्होंने युद्ध के रास्ते को ही चुना, लेकिन पुतिन और उनके देश रूस को इस हमले के नतीजे भुगतने होंगे। बाइडेन ने कहा कि दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं और हम रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। आपको बता दें कि बाइडेन ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वे यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि वे नाटो देशों की इंच भर भी जमीन की रक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यहां तक कह दिया कि उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की कोई योजना नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, बिटकॉइन को लेकर स्पष्ट रुख अपनाए, बताए ये वैध है या अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शुक्रवार को कहा कि वो बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करे, ये वैध है या अवैध। मौजूदा समय में देश में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है और न ही इनका कोई नियमन है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को होगा ज्यादा फायदा, FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सावधि जमा यानी कि FD पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों को घरेलू FD पर अब 0.50% का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर के ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा ने 25 फरवरी से सावधि जमा पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। यहां पर आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा 7 दिनों से लेकर 45 दिन के मैच्योर होने वाली FD पर 2.80% का ब्याज देता है। वहीं 46 दिन से लेकर 180 दिन की मैच्योरिटी पर 3.70% का रिटर्न देता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, सोने की कीमत में बड़ी गिरावट से खरीदारों के लिए लग गई है लॉटरी, जाने कितना सस्ता हुआ सोना। आपको बता दें कि अगर आप सोना या फिर सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में सोना सस्ता हो गया है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोने की रेट की बात करें तो 1,672 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर अब सोना 50,868 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो 2,984 रुपए सस्ता होकर 65,165 रुपए प्रति किलोग्राम पर। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।